हेलो एवरीवन, नाउ इस वीडियो में देखेंगे कि हम इनपुट को कैसे वैलिडेट करते हैं। ओके, सो वैलिडेशन लगाएंगे यहाँ पर। सो आपको क्लाइंट पे कभी विश्वास नहीं करना है कि वो जो भी डेटा सेंड कर रहा है हमको वो सही है, तो आपको सर्वर पे वैलिडेट करना है। सो वैलिडेट करते हैं एक सिंपल तरीके से, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के बारे में जिसके हेल्प से हम वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमारा जो बेसिक जैसे हम करते आए हैं इफ़ एल्स कंडीशन से वैसे करते हैं एक बार। सो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाया इफ़ नेम। ओके, अगर नेम नहीं है तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक मैसेज सेंड करना है। सो मैंने यहाँ पर कहा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस 400 मतलब बैड रिक्वेस्ट, एंड देन सेंड अ मैसेज नेम इज़ रिक्वायर्ड। ओके, देन रिटर्न। एक और कंडीशन लगाएंगे, अगर नेम है तो क्या करना है, नेम की जो लेंथ है उसको मुझे चेक करना है। नेम का लेंथ है अगर इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल 3 है तो मुझे यहाँ पर एक और एरर सेंड करनी है जो कि होगी रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड नेम मस्ट बी मोर देन 3 कैरेक्टर लॉन्ग। सेव करेंगे एंड देन रिटर्न लिखना नहीं भूलना है क्योंकि हमको एरर सेंड करने के बाद मैं इससे मेथड से रिटर्न भी होना है। ओके, आगे का जो कोड है वो रन नहीं करना है। सेव करेंगे, वापस आएंगे पोस्टमैन पे, यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को चेंज करना है जेसॉन में। सो जेसॉन सेट करेंगे और देन यहाँ पर अभी कोई कुछ नहीं भेजता हूँ मैं, जस्ट सेंड कर देता हूँ। सो यहाँ पर आया 400 बैड रिक्वेस्ट एंड नेम इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो एक नेम यहाँ से सेंड करते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा नेम नेम ए बी सी। ओके, ए बी सी सेंड किया मैंने, तो क्या आया, नेम मस्ट बी मोर देन 3 कैरेक्टर लॉन्ग। सो इसको 4 कैरेक्टर कर देते हैं, देन सेंड करते हैं। सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, नेम जो सेव हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर हम रियल टाइम जो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उसमें एक फील्ड नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी फील्ड होंगी, 10 फील्ड 15 फील्ड हो सकती हैं। तो उस टाइम में मैं ऐसे इफ एल्स कंडीशन अगर लगाता रहूँगा तो ये बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं वो कौन सा मॉड्यूल है। सो आना है आपको npmjs.com पे, यहाँ पर सर्च करना है जॉय। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ही लिंक आपको मिलेगा HAPI/joy का, यहाँ पर आपको जाना है। सो इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको एंड देन वापस आते हैं। कंट्रोल बैक टिक प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप न्यू कमांड ओपन कर सकते हैं, न्यू टर्मिनल एंड पेस्ट करेंगे उसको एंड देन एंटर। सो जो जॉय मॉड्यूल है, जो पैकेज है, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, वापस आते हैं, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको देखते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन API पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन में पहुंच जाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे इसको यूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, मतलब रिक्वायर हम इसको लोड करेंगे इस पैकेज को। सो ये इंस्टॉल हो चुका है, पैकेज को लोड कर लेते हैं टॉप में। सो यहाँ पर मैं इस पैकेज को लोड कर लेता हूँ। सो जॉय पर मैंने इसको होल्ड किया, वापस आते हैं देखते हैं कैसे हमको यहाँ पर ये क्रिएट करना है। सो यहाँ पर मुझे जॉय डॉट ऑब्जेक्ट ये जो फंक्शन है इसको मुझे कॉल करना है, तो वापस आते हैं यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर मैंने क्रिएट किया कॉन्स्ट स्कीमा इक्वल्स, हमने यहाँ पर कहा जॉय डॉट ऑब्जेक्ट। ओके, जॉय डॉट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है। वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है विथ नेम। सो जो आप फील्ड सेंड कर रहे हो उसका नाम होगा और वो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो आप यहाँ पर बता सकते हो। ओके, सो देखते हैं कैसे करना है। सो मैंने कहा सबसे पहला जो प्रॉपर्टी मेरे पास है वो है नेम, और नेम कैसे सेट करना है। सो यहाँ पर जॉय डॉट स्ट्रिंग, ओके, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू होगा। देन आप इसका मिनिमम जो लेंथ है वो सेट कर सकते हैं, तो मिनिमम मैंने कहा 3 है। डॉट मैंने कहा जो मैक्सिमम है, जो हमारा नेम है वो मैक्सिमम हो सकता है 15 कैरेक्टर लॉन्ग, एंड ये जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड है। ओके, सो मैंने यहाँ पर कहा रिक्वायर्ड। ओके, सेव कर देते हैं इसको। देन आपको स्कीमा क्रिएट करने के बाद इसे वैलिडेट करना है, तो मैंने यहाँ पर कहा स्कीमा डॉट वैलिडेट। ओके, स्कीमा डॉट वैलिडेट, और वो जो नेम वैल्यू थी वो मुझे यहाँ सेंड करना है, वो जो ऑब्जेक्ट था। सो मैं यहाँ पर रिक्वायर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, तो जो भी मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट को मैं होल्ड कर लेता हूँ एक वेरिएबल में। ओके, और यहाँ से मैं जस्ट रिटर्न कर देता हूँ उसको, और मैं जो रिजल्ट जो मिलता है मुझे उसको मैं सेंड करूँगा क्लाइंट को। ओके, जस्ट यहाँ पर टेस्टिंग पर्पज़ से। सो मैंने यहाँ पर कहा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जो रिजल्ट आया है उसको मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। वापस आते हैं पोस्टमैन। ओके, नेम को सेंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक एरर आया हुआ है, फाइन। सो वापस आते हैं कंसोल को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो नोड
सो जॉय जॉइन इज़ नॉट डिफाइंड. ओके सो मैंने जॉइन लिखा हुआ है, को चेक कर लेते हैं. ओके सो जॉइन. ओके सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. सेव करते हैं, कंसोल ओपन करते हैं. ओके परफेक्ट. सेंड करेंगे रिक्वेस्ट. सो यहाँ पर क्या आया, जो वैल्यू है वो मेरे पास आई हुई. ठीक है सो मैं ये वैल्यू जो उसको इनकरेक्ट सेंड करता हूँ. मैंने एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू सेंड किया. नाउ मैं सेंड करता हूँ. सो मेरे पास क्या आया, एक वैल्यू आई है जो कि नेम है, और साथ में मेरे पास एरर आया. तो यहाँ पर आप देखोगे जब वैल्यू सही होती है तो मेरे को कोई एरर नहीं मिलती है. ठीक है सो मैं अगेन उसको सही करता हूँ और सेंड करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मुझे कोई भी एरर नहीं मिला. ठीक है सो अब मैं अगर एरर, मैं कुछ गलत वैल्यू सेंड करता हूँ, मैंने कहा ए बी या सी बी और कुछ सेंड किया, सो मेरे पास क्या आया, एक एरर आया हुआ है. एरर ऑब्जेक्ट, एरर ऑब्जेक्ट के अंदर है डिटेल्स. ओके और डिटेल्स एक एरे हैं जिसमें आपको मैसेजेस मिलते हैं. ओके तो 3 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, ये मेरे को एक यहाँ पर मैसेज मिला हुआ है. ओके सो वापस आते हैं, इसको हम रीड करेंगे. सो यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, जो मुझे रिजल्ट मिला है उसे मैं चेक करूँगा. हमने यहाँ पर देखा इफ़ रिज़ल्ट डॉट एरर, अगर रिज़ल्ट में एरर है तो मुझे ये करना है, और अगर इफ़ रिज़ल्ट डॉट वैल्यू. ओके अगर रिज़ल्ट में वैल्यू है तो ये करना है, लेकिन रिज़ल्ट और एरर, वैल्यू और एरर एक साथ आ सकते हैं. सो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके इसको एल्स में लिख देता हूँ, मतलब कि अगर कोई एरर नहीं है सो मुझे आगे क्या करना है, ये वाला कोड यहाँ पर रन करना है. ओके सो जैसे एरर होगी तो मैं अंदर से यहाँ से डायरेक्ट उसको रिटर्न कर दूंगा. सो मुझे एल्स की कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर ये रिटर्न नहीं हुआ तभी आगे का कोड हमारा चलेगा. सो अगर एरर आती है तो मुझे वो प्रॉपर एरर मैसेज सेंड करना है. सो मैंने यहाँ पर कहा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस 400 डॉट डॉट सेंड. हमने यहाँ पर कहा रिजल्ट डॉट एरर डॉट डिटेल्स. डिटेल्स एक एरे है. सो मैंने जो 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर सेंड किया. सेव करेंगे, वापस आते हैं और अगेन सेंड करते हैं रिक्वेस्ट. सो यहाँ पर क्या आया, मैसेज मुझको मिला है. ओके डिटेल मैसेज का जो पहला जो ऑब्जेक्ट था वो मुझे मिला मैसेज. ओके सो केवल जो मैसेज है वो मैं यहाँ पर सेंड कर सकता हूँ. फाइन सो जो डिटेल था मेरा उसका मैं मैसेज को सेंड करूँगा. मैंने कहा सेव किया, रन करते हैं इसको. तो मेरे को क्या मिला, एक प्रॉपर मैसेज मिला, नेम लेंथ मस्ट बी 3 कैरेक्टर लॉन्ग. ओके सो हम इसको कर देते हैं 15 कैरेक्टर. ओके सो मैंने जो लेंथ था वो इंक्रीज़ किया. नाउ सेंड करते हैं इसको. सो यहाँ पर क्या कह रहा है, नेम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 15 कैरेक्टर लॉन्ग. ओके देन मैं नेम को रिमूव कर देता हूँ और इसको सेंड करता हूँ. सो मुझे क्या मिला, नेम इज़ रिक्वायर्ड. ओके सो हम इस तरह से यहाँ पर एक स्कीमा यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, और स्कीमा को हम एक बार बनाएंगे. सो मैंने जो भी यहाँ पर किया है बाद में उसको चेंज करेंगे, स्टूडेंट नाम का एक अलग JS फाइल क्रिएट करेंगे और सारे स्टूडेंट के राउट उस फाइल में रखेंगे. ओके सो आप स्कीमा एक बार डिज़ाइन करेंगे, जहाँ जहाँ आपको जहाँ अपडेट करना है वहाँ पर आप स्कीमा का यूज़ कर सकते हैं. सो आपको स्कीमा एक बार बनाना है और उसका यूज़ आप बार बार कर सकते हैं. तो इस ज्वाइल पैकेज की हेल्प से आप यहाँ पर उसको वैलिडेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत बड़ा है, इसको आप आराम से रीड कर सकते हो. नंबर के लिए, डेट्स के लिए, ईमेल के लिए सारा कुछ यहाँ पर दिया है. ओके प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. फाइन सो इस तरह से आप यहाँ पर जो वैलिडेशन है वो परफॉर्म कर सकते हो नोड जीएस में. ओके सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.